नमस्कार, आप देख रहे हैं एन इंडिया। देश में जारी लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट ही कर दी है, लेकिन आने वाले समय में देश के सामने एक और बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा है, वो है जनसंख्या विस्फोट का। लॉकडाउन के बाद भारत सरकार के लिए बढ़ती जनसंख्या बड़ी मुसीबत होगी। ऐसे में इसके रोकथाम के लिए सरकारों ने योजना बनाना शुरू कर दी है, जिसकी एक झलक यूपी के बलिया में देखने को मिली, जहां जिला प्रशासन घरों में गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम बंटवा रहा है। आज फैमिली प्लानिंग के बारे में हुआ, क्या बताया गया, क्या आप लोगों को? लॉकडाउन के अंतराल, जैसे कि घर पर सारे हस्बैंड रह रहे हैं, तो इसकी की अंतरा छाया माला एंड कंडोम सब वितरण के कि घर पर रहे, तो ऐसे कि परिवार में जैसे जनसंख्या ना बढ़े। कोरोना से तो यूपी के महाराज यानी योगी आदित्यनाथ अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन महाराज को अब प्रदेश की जनसंख्या विस्फोट की चिंता सता रही है। इसलिए यूपी के बलिया से आई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जो किट लोगों को दे रही है, ये कोरोना से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने की किट है। हमारा कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग से परिवार नियोजन के, तो लॉकडाउन में ये परिवार नियोजन बांटा जा रहा है, ये इसके बाद फिर लॉकडाउन में पति पत्नी घर पे हैं, जनसंख्या कम करने के लिए इन लोग को परिवार नियोजन दिया जा रहा है। माला एन इजी पिल्स छाया अंतरा कंडोम ये सब इन लोग को परिवार नियोजन दिया जा रहा है। क्या महिलाओं को इससे जुड़ी चीज़ें आप समझा रही हैं कि आखिर ये किस फायदे के लिए है और इससे क्या कुछ है? हाँ, उनको बताया जा रहा है कि इसे इसको खाएंगी तो इससे बच्चा नहीं होगा, परिवार नहीं बढ़ेगा, बच्चों का अंतराल बढ़ेगा, उसी के लिए दिया जा रहा है। बता दें कि सरकार को चिंता है कि कोरोना के चलते घरों में कैद लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग कहीं मनोरंजन का साधन तो न बन जाए, इसको लेकर सरकार की चिंता जायज भी है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में जनसंख्या के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, इसी को लेकर यूपी सरकार सतर्क हो गई है और महाराज योगी ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन में सभी लोग, परिवार के सभी लोग घर पर ही हैं, कहीं कोई बाहर निकल नहीं रहा है, जो भी उनका मनोरंजन का साधन है वो घर ही पर है। इसके लिए जो है एक अभियान चलाकर आशा बहुओं को और जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको जो है परिवार नियोजन कैसे सीमित हो इस लॉकडाउन में, उसके लिए परामर्श दिया जा रहा है और जो है उसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, और उसके लिए अगर किसी को ज़रूरत है निरोध और कापटी तो वो उसको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। तो सर, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि लॉकडाउन के दौरान इस बात का भी डर है कि लॉकडाउन के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, एक ब्लास्ट हो सकता है जनसंख्या को लेकर, इसे आप किस नज़रिए से? हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे आशा बहुओं के द्वारा जो है उनको परिवार कल्याण की जो है परामर्श दिया जा रहा है और उनके जो परिवार नियोजन परिवार कैसे सीमित रखा जाए उसके साधन भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपने को और लोगों से बनाए रखें। सर, किस तरह के परामर्श दिए जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं? परिवार नियोजन के लिए जैसे हमारे आशा बहुओं के पास जो है ये निरोध के किट्स होते हैं और जो है ये खाने वाली गोली होती है माला डी, और उसको वो उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या लगता है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जनसंख्या में कुछ वृद्धि होगी, अगर न दिया जाए तो? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये मान कर चला जा रहा है। इसी के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए कि परिवार हमारी जनसंख्या इस लॉकडाउन के बाद अचानक वृद्धि न कर जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये साधन उपलब्ध करवाया।